हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस हफ्ते होने वाले स्मैकडाउन यानी कि 17 दिसंबर 2021 को होने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के नाकामुरा और रिक कफ्यूड अभी एंजल गार्जा और हम्बर्टो कैरिलो के साथ चल रहा है और लास्ट वीक टैग टीम मैच में शिंस्के और रिक ने उन दोनों को हरा भी दिया था जब शिंस्के ने हम्बर्टो को किंशासा मार के उनका पिनफॉल करवाया था। और इस हफ्ते स्मैकडाउन में शिंस्के नाकामुरा का मैच एंजल गार्जा के साथ फैंस को देखने मिल सकता है। और क्योंकि हैप्पी कॉर्बिन को कंटेंडरशिप मैच जीतने के बाद से अभी तक इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच नहीं मिला, इसलिए कल कॉर्बिन चैलेंज कर सकते हैं डे वन पेपरव्यू में शिंस्के नाकामुरा को इंटर कॉन्टिनेंटल टाइटल मैच के लिए। और इन दोनों का मैच कल WWE सेट कर सकते हैं। वैसे हैप्पी कॉर्बिन और मैडकैप मॉस का फ्यूड अभी ड्रू मैकइंटायर के साथ भी चल रहा है और लास्ट वीक ड्रू मैकइंटायर ने शेमस को हरा दिया था, तो वो इस हफ्ते कॉर्बिन से सिंगल्स मैच में फाइट कर सकते हैं। और टोनी स्टॉर्म का लास्ट वीक जब शार्लेट फ्लेयर से मैच हुआ था तब शार्लेट ने खुद को डिस्क्वालीफाई करवा लिया था, पर क्योंकि ये कंटेंडरशिप मैच था इसलिए अब टोनी स्टॉर्म को शार्लेट के साथ मैच मिलेगा स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप के लिए। और इन दोनों का मैच इस हफ्ते अनाउंस हो जाएगा डे वन पेपरव्यू के लिए। तो जैसा आप जानते हो कि द उसुस का चैंपियनशिप मैच सेट हो चुका है डे वन पेपरव्यू में जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन के साथ स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और लास्ट वीक आरके ब्रो और उसुस दोनों टीम को हरा कर अब न्यू डे खुद को बेस्ट टीम बोल सकते हैं और इस बात को न्यू डे आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में सेलिब्रेट करेंगे। और कोफी किंगस्टन का मैच जिमी उसो के साथ फैंस को देखने मिलेगा। वैसे आप लोग डे वन पेपरव्यू में किसको जीतते हुए देखना चाहते हो, द न्यू डे को या फिर द उसोस को, कमेंट करके सबके साथ शेयर करें। और पिछले हफ्ते नियोमी पर सोनिया डेविल, शाइना बेजदर और नेटालिया मिलकर अटैक करने वाली थी, पर नियोमी को बचाने के लिए जाइली ने उनका डेब्यू किया स्मैकडाउन में और उन्होंने सोनिया, शाइना और नेटालिया को नियोमी के साथ मिलकर मार भगाया। और अब इस हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में नियोमी और जाइली टीम अप करेंगी और फेस करेंगी नेटालिया और शाइना बेजदर को टैग टीम मैच में। तो ब्रॉक लेसनर पिछले हफ्ते पूरे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में छाए हुए थे। पहले उन्होंने आकर सैमी ज़ेन से दोस्ती की और वो सैमी को समझा बुझाकर और एक तरह से जबरदस्ती लेकर जाने लगे शिकार करने के लिए, पर तब उन्हें पॉल हेमन ने बताया कि ब्रॉक के साथ सैमी ने जैसी बातें की हैं उसके बाद सैमी ज़ेन को सुप्लेक्स सिटी जाना पड़ेगा। और ये सब सुनकर ब्रॉक ने सैमी ज़ेन को बहुत पीटा और पॉल हेमन ने ये भी बोल दिया था कि ब्रॉक लेसनर फ्यूचर यूनिवर्सल चैंपियन है। और ब्रॉक ने भी बैकस्टेज में जाकर पॉल हेमन को एक बार फिर से उनका एडवोकेट कहा है। और एडम पियर्स को भी ब्रॉक ने एक फोटो दिखाकर बताया कि जब वो सस्पेंडेड थे तो उन्होंने एक मूस का शिकार किया था और उस मूस का नाम उन्होंने एडम पियर्स रखा था। वैसे पॉल हेमन ने लास्ट वीक बताया था कि रोमन ने इसलिए छुट्टी ली है ताकि वो समोअन आइलैंड पे जाकर ट्रेनिंग कर सकें। और WWE ने अनाउंस कर दिया है कि इस हफ्ते रोमन रिक्स फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रिटर्न आ रहे हैं। और पॉल हेमन ने जो लास्ट वीक ब्रॉक की इतनी ज्यादा तारीफ की है इसलिए रोमन पॉल हेमन से गुस्सा रहेंगे और ब्रॉक और रोमन फेस टू फेस आएंगे आने वाले स्मैकडाउन में। बस अब देखना ये है कि पॉल हेमन क्या अभी भी रोमन का साथ देते हैं या फिर वो फाइनली धोखा दे देते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रिक्स को। और जानने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा। और मैं आपसे जल्द मिलूंगा, लेकिन तब तक के लिए गुड।